चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि आप लोगों का जो चैप्टर है मैथ्स पेडागोजी का चैप्टर नंबर 1 है, ये हम लोगों ने बहुत बेसिक से पढ़ लिया था। इसको हम लोगों ने सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसमें आपका जो चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने गणित का अर्थ, गणित की उत्पत्ति, प्रमुख परिभाषाएं, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए थे। तर्क शक्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। उसके बाद बारी आती है, ये सारे टॉपिक पढ़ लेने के बाद बारी आती है प्रश्नों को हल करने की। यानी कि ये जो चैप्टर है इसके प्रश्न हम लोग करेंगे, यानी कि इसके जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा है। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन को करने की। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। ये सारा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, ये चैप्टर हम लोगों ने बेसिक से सीखा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, 125 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस चैप्टर के। यानी कि टोटल हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से जो है आपके 100+ क्वेश्चन, यानी कि 125 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बहुत बेसिक से ये प्रश्न रहेंगे। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जितने दोस्त आ गए हैं बहुत बढ़िया, स्वागत है आप लोगों का। ये जो क्लास है ये यूट्यूब पर चल रही होगी, अगर रिकॉर्डेड यहाँ पर सेशन अगर यूट्यूब पे जाता है तो यूट्यूब पर ये एक तरीके से डेमो क्लास है आपकी। पेड क्लास में जो पेडागोजी चल रही है उसमें किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी ये आपकी डेमो क्लास है। बाकी जो लोग पेड क्लास में देख रहे हैं आपके ये क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को करते चलिएगा। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने दोस्त देख रहे हैं, आप चाहे पेड क्लास में देख रहे हैं या चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं आप लोगों को यहां पर क्या करना है, आंसर जरूर करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के नजरों के सामने है, आप कोशिश करिएगा इन चारों ऑप्शन को पढ़ के इनका आंसर लगाने की। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि जो NCF 2005 के अनुसार जो गणित का विषय या पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, छात्रों को गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए या छात्रों की प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए या गणितीय संकल्पनाओं को कठोरता देने वाला होना चाहिए। इन चार ऑप्शन में से आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिन साथियों ने चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। जो हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लास, इससे पहले जो क्लास हुई थी उस पर हम लोगों ने पढ़ा था, वो आपको आंसर दिख रहा होगा। आप ऑप्शन में ABCD लगा रहे होंगे तो बिल्कुल, ये क्लास रिकॉर्डेड है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल लाइव की तरह लेना है क्योंकि इसमें हम लोग 125 क्वेश्चन करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को ABCD लगाते हुए चलना है। जैसे कि आंसर मुझे यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। यानी कि ये जो NCF 2005 के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय का गणित का पाठ्यक्रम जो है दोस्तों, वो कैसा होना चाहिए, प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, ताकि ये जो बच्चा है ये प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित चीजें देखेगा, जो चीजें घर पे देख रहा है, जो चीजें उसके आसपास वातावरण में देख रहा है, वो अगर उसके पाठ्यक्रम में शामिल होगी तो उसने पढ़ने में रुचि आएगी और वो उसे मनोरंजन के साथ पढ़ पाएगा। तो इसीलिए यहां पर उनका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। इससे पहले की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मेरे इस नंबर पर मैसेज करना, मैं इससे पहले की थ्योरी वाली क्लास आपको भेज दूंगा ताकि आप थ्योरी पूरा पढ़ के फिर इन क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत आसान रहेगी। वैसे आप लोगों को आता है पेडागोजी, काफी टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आती है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करेगा। और जिन लोगों ने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी या इस चैप्टर की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप जरूर मैसेज करिएगा व्हाट्सअप नंबर पर 9893800651 पे, ताकि ये PDF आप लोगों में दे सकूं, आप थ्योरी वाली क्लास और क्वेश्चन कर सके। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें गणित के प्रश्न को हल करने का कौशल है, इस तरीके से करना चाहिए। कंठस्थ करना चाहिए, फिर अनुमान लगाकर परीक्षण करना चाहिए, फिर चित्रांकन करना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है? ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि प्रयत्न त्रुटि विधि, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि ट्रायल करो और उसमें एरर आ जाए तो फिर आगे बढ़ो। तो प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, या सी वाला ऑप्शन कि चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना, या चौथा ऑप्शन विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो मेरे लगभग
मेरे दोस्तों का आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आ रहा होगा। तो जिन साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उन लोगों का बिल्कुल सही है कि कोई भी प्रश्न गणित में हल करना है तो उसमें विवेचन करना होगा, यानी कि उसका यहाँ पर विवेचन करना है, उस पर विचार करना है एक तरीके से, फिर चर का प्रयोग करना कि उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन सी चीज उसमें लागू हो रही है वो प्रयोग करना, फिर प्रतिरूप देखना कि वो सही है या गलत है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। रट लेना कभी भी नहीं होगा, गणित में कंठस्थ करने वाली कोई भी चीज नहीं होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये गणित एक तार्किक विषय है, इसमें तर्क काम करता है कि दो और दो चार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान देना है, रटने वाली कंठस्थ करने वाली बात इसमें नहीं होती है गणित में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पेशल बनाई गई है ताकि आप YouTube पे भी देख सकें और जो पेड का क्लास वाले हैं वो पेड क्लास में भी इसको देख सकें, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों एक तरीके से ये चैप्टर पूरा डेमो के रूप में आप लोग देख लीजिएगा, बाकी के जो इसके बाद वाले चैप्टर हैं वो आपकी पेड क्लास में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, वो वेन हिले नाम है इनका। वेन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं के संकेत करते हैं वो कौन सा है। वेन हिले के जो स्तर है, यानी कि वेन हिले के यहाँ पर पांच लेवल होते हैं, है ना, पांच लेवल उन्होंने बताए हैं, वो किन अवस्थाओं के बारे में संकेत करते हैं। क्या भिन्न के बारे में दिए हैं वेन हिले ने, क्या संख्या की संकल्पना के बारे में दिया है, क्या स्थानीय के मान के बारे में बताया है, या ज्यामिति के बारे में बताया है। तो जो दोस्त पढ़ते हैं, जिन लोगों को नॉलेज है, जो दोस्त काफी टाइम से पेडागोजी पढ़ रहे हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर इसका आ रहा होगा। कौन सा इसका आंसर बिल्कुल सही है तो वो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ज्यामितीय चिंतन, यानी कि ज्योमेट्री के बारे में वेन हिले ने फाइव स्टेज दिए हैं कि कोई भी बच्चा है वो पांच स्तर में इस ज्योमेट्री को समझता है, यानी कि पांच स्तर होते हैं उसकी बुद्धि के अनुसार इसको समझने के। तो वो पांच स्तर कौन कौन से हैं, और ये ध्यान रखना ज्योमेट्री के बारे में। तो वेन हिले का जब नाम आएगा तो ज्योमेट्री के पांच लेवल ये सिखाते हैं। ये पांच लेवल कौन कौन से हैं आप लोग देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर आर फाइव लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन ज्योमेट्री, यानी कि पांच लेवल होते हैं ज्योमेट्री समझने के। लेवल जीरो होता है, ये ध्यान रखना कि इन्होंने लेवल पांच दिए हैं, लेकिन सबसे पहला जो लेवल लिया है, पहला लेवल उन्होंने लिया है वो कौन सा है, लेवल जीरो है, है ना। तो ध्यान रखना पांच लेवल जरूर है, लेवल फोर आपका आखिरी लेवल है, ठीक है। कैसे समझ गए होंगे आप, ये पहला लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, लेकिन पांचवे लेवल को लेवल फोर देते हैं जिसको कठोरता रिगर के नाम से जाना जाता है, और लेवल थ्री को डिडक्शन यानी कटौती के नाम से जाना जाता है, लेवल टू यानी कि एब्स्ट्रक्शन के नाम अमूर्त के नाम से जाना जाता है, लेवल वन जो है विश्लेषण एनालिसिस, और लेवल जीरो जो है विजुअलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग देखेंगे ये है क्या, तो कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे वो चीजें देखता है सीखता है, तो सबसे पहला जो लेवल आता है वो होता है विजुअलाइजेशन का, यानी कि विजुलाइजेशन क्या है, जैसे कि कोई बच्चा है उसे कहा गया है कि ये व्रत है, व्रत अगर वो देखेगा उसको कहा जाएगा कि भैया ये व्रत है, तो वो बच्चा उस व्रत को नहीं जानेगा, वो उस व्रत से रिलेटेड, वो उस सर्कल से रिलेटेड अपनी निजी जिंदगी में, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या चीज देखता है। तो आप लोग पाएंगे कि गोल चीज वो देखेगा सबसे पहले रोटी देखेगा, तो रोटी को दिमाग में वो विजुलाइजेशन करेगा, वो व्रत नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा कि ये तो रोटी है, या फिर कहेगा ये तो चंद्रमा है। अगर बात करें त्रिभुज की तो वो इसको डायरेक्ट देखते ट्रेंगल नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि ये तो एक समोसा है, है ना, अलग मैं भी यही बोलता हूं, ठीक है। तो इसका जो लेवल है जीरो है वो है विजुअलाइजेशन का, यानी कि कोई भी चीज को उस आकृति के नाम से ना बुलाना, बजाय उसके निजी जीवन में जो चीज उस प्रकार की दिख रही है उस रूप में उसको बताना। तो ये जो लेवल है ये विजुअलाइजेशन है दोस्तों। आगे बढ़े, लेवल नंबर यहाँ वन की बात करें जो कि एनालिसिस होता है, विश्लेषण करता है। अब वो कहेगा कि यहाँ पर ये जो ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल आप लोगों को देख रहा है कि वो यहाँ पर समोसा भी त्रिभुज आकार का है और भी कोई चीजें त्रिभुज आकार की है ना, तो वो यहाँ पर क्या करता है, विश्लेषण करता है। तो लेवल वन विश्लेषण हो जाएगा। फिर अमूर्त में एब्स्ट्रक्शन करता है कि यहाँ पर ट्रेंगल भी दो तीन प्रकार के बन रहे हैं, है ना, ये चीजें धीरे धीरे करते हुए कठोरता वाले लेवल पे आता है ना। तो ये लेवल बच्चों के लिए नहीं है, ये विशेषज्ञ लोग जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बस इतना सा आप लोगों से वो पूछ सकता है कि वेन हिले का जो पांचवा लेवल है वो कौन सा है, तो वो रिगर है, ऐसा नाम पूछ सकता है इस तरीके से। बाकी सिंपल है, बस आप लोगों को क्वेश्चन के अनुसार तो ये ध्यान रखना था कि वेन हिले के स्तर से जिस विकास की अवस्थाओं की बात करता है वो किसके बारे में है, तो वो ज्यामिति के बारे में है, ज्योमेट्री के बारे में है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप बेशक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने पक्के दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। पक्का दोस्त बोले तो अपना जिगरी यार है ना, उसके साथ जरूर शेयर करें। कोई अच्छी चीज है तो अपने दोस्त को जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा और इसका आंसर करते चलिए। आज आप लोगों को अगर ये क्लास YouTube पे लाइव चल रही है ना, YouTube पे अगर लाइव चल रही है तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, मतलब गणित का जो अध्यापन है उसको प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता जरूर नहीं है। प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना, ये जरूरी नहीं है। या एक ही कल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, यह जरूरी नहीं है। या एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, यह जरूरी नहीं है। या छात्रों की त्रुटियों को प्रतिरूपों पर केंद्रित करना, यह जरूरी नहीं है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से आप लोगों का कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है मैं चाहूंगा आप लोग आंसर जरूर करें। तो आप लोगों का आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही, वो बोल रहा है कि गणित का अध्यापन यानी कि गणित में कोई चीज सिखा रहे हैं आप, तो उसके लिए कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये विशेषता नहीं है कि नई संकल्पना को परिचय देने के लिए कोई भी नई चीज सिखा रहे हैं। मान लो एल्जेब्रा सिखा रहे हैं, बीजगणित सिखा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज सिखा रहे हैं, तो उसमें हम समय की कठोरता का पालन करें। यानी कि ये चीज मुझे सिखाने के लिए बस 15 मिनट देना है, ऐसा अगर मैं पालन करूंगा तो मैं गणित का अध्यापन प्रभावी रूप से नहीं कर पाऊंगा, मैं वो चीज आपको बहुत अच्छे से नहीं सिखा पाऊंगा जो सिखाने आया हूं। तो उसमें आप लोगों को समय के नियम का कठोरता से पालन नहीं करना है, आप लोगों को जो चीज सिखाना है उस लिए हम लोग सिखाते हैं। जैसे कि बात करें मैराथन क्लास की, हम लोग मैराथन क्लासेस लेते हैं, मैराथन क्लासेस इसीलिए लेते हैं कि समय की कठोरता से पालन ना हो और हम लोग बहुत लंबे समय में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख पाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को अपना स्कोर भी गिनते हुए चलना है। जो दोस्त पहले क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं वो पहले दूसरे तीसरे चौथे का आंसर भी साथ में लिखते चले और अपने कितने सही हो रहे हैं मुझे ये क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग करें, मान लो हम 30 क्वेश्चन करें, 40 क्वेश्चन करें या 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करें, तो 50 में से आप दोस्तों का कितना स्कोर होता है ये जरूर आप लोगों को बताना है। तो आप लोग साथ साथ में अपना स्कोर भी चेक करते चलिएगा कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। ये चीज आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। सभी दोस्त देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखना, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, या गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, या आमतौर पर लड़कियां गणित पर कमजोर होती हैं, हर कोई गणित सीख सकता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है कि गणित केवल कठोर अभ्यास सीखा जा सकता है, यह सत्य है, या गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ये सत्य है, या आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये बिल्कुल गलत है ना। मैं लड़कियों को कमजोर नहीं मान सकता क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं जितने अभी पढ़ते हैं संविदा वर्ग 3 में, जितनी बहनें पढ़ती हैं वो बहुत तेज हैं गणित में, और उनका मैं उस बात से ये कथन पहले ही रोंग कर देता हूँ कि गणित में स्त्रियाँ या लड़कियाँ जो हैं वो कमजोर नहीं होती। क्योंकि आप घर के गणित की बात करें तो अपने जो घर का गणित है वो अपनी मम्मी ही चला रही है, अब बहुत सारों के मम्मी ही चलाती है ना। मम्मी को ही पता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे सेव हैं, कितने पैसे लगाने हैं, हर चीज मम्मी को पता है। तो यहां पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है ये बात बिल्कुल निरंतर गलत है, ठीक है, और हर कोई गणित सीखता है, ये कथन सत्य है। तो कौन सा कथन यहां पर सत्य हो जाता है दोस्तों, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आ रहा है कि हर कोई गणित सीख सकता है। जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे मानते होंगे कि मैं अगर सीख सकता हूं तो कोई भी सीख सकता है, ठीक है, बहुत सारे लगते होंगे ना यार मेरे को गणित आ गई मतलब सबको आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
यहाँ पर आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि मैथ्स का शानदार पेड कोर्स अवेलेबल है। जो दोस्त चैप्टर वाइज सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो शानदार कोर्स अवेलेबल है। स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है कि 1000 की जो क्लास है वो मात्र 499 में आपके लिए अवेलेबल है 31 दिसंबर तक। अगर आप 31 दिसंबर से पहले ये क्लास देख रहे हैं, मतलब आपके पास अभी मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स का बहुत ही शानदार कोर्स, जो कि मिलेगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड करिएगा, उसके अंदर स्टोर ऑप्शन में आपको एक क्लास मिलेगा, जीरो टू हीरो बैच अवेलेबल है, 100+ वीडियोस हैं, हर चैप्टर की पीडीएफ, हर चैप्टर आपका क्लियर, 999 की जगह अभी मात्र अफोर्डेबल है। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं इस क्लास की पहले वाली थ्योरी क्लास देखने के लिए, बिल्कुल, और चैप्टर वाइज पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डेली क्लास होती है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो कि डिफरेंट चैप्टर से रहते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यह होता है कि आप लोग एक से अधिक बार उन वीडियोस को देख सकते हैं, एक से ज्यादा बार देख सकते हैं। आप लोग 6 महीने तक ये कोर्स आपके पास रहेगा, हर वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, यहां पर पहला पेज आपको इस तरीके से दिखेगा, स्टोर ऑप्शन में आप लोग जाइएगा, सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आपको एमपीटेट मैथ्स वाला कोर्स लेना है, इसमें आप सिलेक्ट करिएगा, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, 516 रुपए समथिंग पेमेंट बताएगा, फिर आपसे सिलेक्ट स्टेट करने को कहेगा, केरला लद्दीप है ना, तो आप लोग प्रदेश सिलेक्ट करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, एटीएम, पेटीएम से पेमेंट करिएगा। और जिन लोगों के पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, वो दोस्त मेरे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे पेमेंट करना है। इस नंबर 9893800651 पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को बता दूंगा मैं कि पेमेंट कैसे करना है और क्लास कैसे ज्वाइन करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और सभी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर नजर डालते हैं सभी दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, देखना, ज्यादा आगे आ गए, 6 पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को इन चारों ऑप्शन के अनुसार आप सेट करिएगा, जैसे कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि जो अशिक्षित दुकानदार है वो जो गणित प्रयोग करता है, क्या उसको शिक्षकों द्वारा कक्षा में चर्चा की जानी है वैकल्पिक रणनीति के रूप में, या गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग नहीं है, या सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, क्या अशिक्षित दुकानदार जो गणित प्रयोग करता है वो गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, या उसमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मेरे सभी दोस्तों का आ रहा होगा, कौन सा करेक्ट आंसर इसका आ रहा होगा, तो आप लोगों ने जो आंसर लगाया है उस हिसाब से मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा जो गणित उपयोग की जाती है वो हम लोग वैकल्पिक रणनीति के रूप में, वैकल्पिक रणनीति के रूप में यानी कि विकल्प के रूप में, मतलब अगर ऐसा करें या ऐसा भी कर सकते हैं उस रूप में आप लोग शिक्षकों द्वारा चर्चा कर सकते हैं कक्षाओं में। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए, विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए, तो कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करने और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर इस कक्षा को संभालना चाहिए, या फिर एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह बनाकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, या फिर एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, या अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया तरीके से आंसर मुझे दिख रहे हैं, है ना, आप लोग कर रहे होंगे, है ना, ये क्लास अगर यूट्यूब पे लाइव है ना, प्रीमियर चल रहा होगा, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से, जैसे मान ली 2 बच्चे हैं ए और बी, ठीक है, ये जो ए है ये पढ़ने में नंबर 1 है, ये बी है ये पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। अब होगा क्या, जब ये दोनों साथ रहेंगे तो ए किसी न किसी सवाल का जवाब देगा, अब बी जो है इसका दोस्त है,
अगर 20 का दोस्त है तो 20 से पूछेगा कि यार ये कैसे आया यार। तो ये जो ए है बिल्कुल दोस्ती के नाते इसको बताएगा कि किस तरीके से ये आया। तो यहाँ पर होगा क्या कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चे जब साथ में बैठेंगे तो साथ में कुछ चीजें एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा में विशेष बच्चों के एक विशेष समूह को संभालने के लिए क्या करना चाहिए कि उनको सामूहिक रखकर एक दूसरे से वो सीख सके, इस तरीके की व्यवस्था बिठानी चाहिए। अगर सब कमजोर को एक साथ रख दिया जाएगा तो वे और कमजोर होते जाएंगे, और सब इंटेलिजेंट को एक साथ रख दिया तो वो बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। तो इस तरीके से कमजोर और इंटेलिजेंट दोनों को साथ रखा जाए ताकि कमजोर जो है उससे सीख सके, बढ़ सके और कुछ नया सीख सके दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। तो बिल्कुल सही आपका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये रोमन के हिसाब से लिखा जाएगा, ये 1 है, ठीक है। अगर मान लो ये लिखा गया है तो ये रोमन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 4 है, लेकिन ये इंग्लिश के हिसाब से आई और वी लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन कि रोमन अंक जो है वो स्थानीय मान का आयोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, यानी कि जैसे कि 3 और 4 जोड़ना है, 3 और 4 जोड़ना है, तो ये रोमन अंक है, इनको जोड़ने में स्थानीय अंक स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता इसलिए इनका उपयोग नहीं करते। या तीसरा ऑप्शन है कि रोमन अंकों को याद करना बड़ा मुश्किल है। भाई साहब रोमन अंक जो होते हैं वो याद करने में बहुत मुश्किल होते हैं, क्या मालूम 100 को क्या लिखा जाता है, 100 को क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, एल लिखा जाता है या एम लिखा जाता है, मुझे भी नहीं पता है, हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखें, ऑप्शन नंबर डी देखें कि रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, एक मुश्किल कार्य है, तो क्या इसलिए इनका लेखन में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को बताना है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा कि आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों में इन रोमन अंकों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो आप लोगों को बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि रोमन अंक जो है स्थानीय मान का आयोजन नहीं करते हैं, यानी कि रोमन अंक में स्थानीय मान नहीं होते हैं इसलिए यहां पर गणना करना मुश्किल होता है, यानी कि कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि यहां पर गणना करना जो है वो मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर करते हैं और रोमन अंक में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर मैं आपको बता दूं कि रोमन अंक में इस तरीके से होता है, यहां पर आप लोग देखेंगे कि 1 के लिए यहां पर 1 होता है इस तरीके से, 5 के लिए यहां पर वी का इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो आपने लिखा कि 1 है ना, 2 है ना, 3 और 4 लिखने के लिए, अब 5 आप लिखते हैं V और 5 में एक कम कर देंगे, इधर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा इस तरीके से, जैसे कि आप 1, 2, 3, 4 में देख रहे हैं ये 4 है ये 5 है। अब X जो है वो 10 के लिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ 10 आया तो यहाँ X हो जाएगा, 20 लिखना है तो X X लिख देंगे, 30 लिखना है तो X X X लिख देंगे, ये 30 हो गया, इस तरीके से चलता है। फिर L जो है वो 50 के लिए यूज होता है, यानी कि 40 लिखना है तो L लिख के इधर X लिखेंगे तो ये 40 हो जाएगा इस तरीके से, जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पर आप रोमन नंबर 1 से 1000 तक आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे या कहीं भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप रोमन अंक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बस ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य है कि 100 के लिए सी लिखा जाता है, 500 के लिए डी लिखा जाता है और एम लिखा जाता है 1000 के लिए, ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों, ताकि आप लोगों को यहां पर जो है ये सारी चीजें करने में कोई दिक्कत ना हो और बहुत अच्छे से आप लोग सीख सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, एक मिनट है ना, आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, सभी दोस्त बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं और सभी के आंसर भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था हम लोगों ने, विशेष समूह वाला कर लिया था, रोमन संख्या वाला कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई है, ठीक है। चलिए देखिएगा 2 संख्याएं किस अनुसार उसने घटाई है, उसने क्या किया है, 83 में से 27 घटाया है और 64 लिख दिया है,
ऐसा क्यों किया होगा। अब आप लोग देखिएगा कि 83 में से 27 घटाने पे 64 तो आता नहीं है, 64 तो आता नहीं है, पर उसने कर दिया है। तो देखना निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाने घटाव सीखने का बोध कराता है, कि यहाँ पर कौन सा जो कथन है वो उसकी गलती को बताता है। यहाँ पर बताइएगा, चार ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है, ठीक है। या फिर बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, या फिर बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, या फिर बच्चा दो अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। तो अगर आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर 83 में से 27 उसने घटाया है, इस प्रकार से घटाया है, मेरी बात समझना, 7 में से 3 घटा के 4 कर दिया है और 8 में से 2 घटा के 6 कर दिया है। मतलब वो जो बच्चा है, बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। उसने ये नहीं देखा कि ये जो 3 है इसका स्थानीय मान इकाई अंक 3 है, तो इसमें से ये घटा नहीं सकते, मुझे यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। मतलब स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर 9 का जो आंसर होगा वो आ रहा है बी, कि बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है दोस्तों। ये पेडागोजी क्लासेस भी आपकी ऐड कर दी गई है पेड कोर्स में। जिन लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले के वीडियो, जरूर देखना, पूरा चैप्टर पढ़ना, बहुत अच्छे से पेडागोजी आपकी क्लियर होगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़िएगा कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना, या भाषा के माध्यम से बताना। आप लोग बताना है कि गणितीय अवधारणा अगर सिखाना है उसका विकास का अनुक्रम क्या होना चाहिए, कौन सी चीज पहले करना चाहिए, इसमें से चित्र बनाना पहले करना चाहिए, अनुभव पहले प्रदान करना चाहिए, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना चाहिए, भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए। तो इसके क्रम दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन है कि तीसरी चीज पहली होनी चाहिए, यानी कि ये पहला होना चाहिए, फिर पहला, फिर दूसरा और फिर चौथा, ये क्रम होना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए, ये या ये। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों ने किया होगा। कौन सा करेक्ट आंसर आपका होगा, दसवें का आंसर जो बता रहा है वो सी बता रहा है, यानी कि यहां पर सी वाला सही है। सी बोले तो तीसरा सबसे पहला होगा, मतलब सबसे पहले अनुभव प्रदान करना। कोई भी चीज मान लो हम सिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको ट्रेंगल सिखा रहा हूं, मैंने त्रिभुज आपको बताना शुरू किया, तो सबसे पहले मैं उसका अपना अपना अनुभव बताऊंगा कि मैंने जब ट्रेंगल सीखा था, ट्रेंगल के बारे में क्या अनुभव थे मेरे, मैंने जब समोसा देखा था तो मैंने सोचा था ये तीन कोने वाला कौन सी जोरदार चीज है, तो ये एक त्रिभुज है ना, तो ये अनुभव आपको बताऊंगा, तो उससे आप लोगों का एक कनेक्शन बैठेगा, उस एक अनुक्रम में हम लोग उसको सीखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर फिर तीसरे के बाद चौथा, यानी कि फिर भाषा के माध्यम से समझाना कि यहाँ पर क्या क्या होता है ना, फिर उसके बाद पहला यानी कि चित्र बनाना, फिर उसके चित्र बनाऊंगा मैं कि त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, ये लास्ट वाला यहाँ पर आएगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इसका जो क्रम है वो ऑप्शन नंबर सी वाला है, कि सबसे पहला जो क्रम होगा यानी कि इनमें सबसे पहला क्रम अनुभव प्रदान करना, फिर दूसरा भाषा के माध्यम से समझाना, फिर चित्र बनाना और फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, यानी कि इनका क्रम ऐसा होना चाहिए कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल चीज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं। क्या लिखा है, कैसे आपको करना है, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। हम लोगों ने जब थ्योरी वाली क्लास पढ़ी थी तो हम लोगों ने गणित शिक्षण के उद्देश्य पढ़े थे, उसमें ये चीज इन ऑप्शन में से आंसर आपका छुपा हुआ है थ्योरी वाली क्लास में। तो जिन लोगों ने थ्योरी वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है वो जरूर देखें, गणित पेडागोजी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट में से आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप वो वीडियो प्लस पीडीएफ आपके पास रखें, ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है,
क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है? तो गणित की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण मुख्य लक्ष्य है, या पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना ये मुख्य लक्ष्य है, या बच्चों को रोजगार योग्य बना देना ये मुख्य लक्ष्य है, या बच्चों को गणित में मनोरंजन करना ये मेरा मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों का आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना ये सबसे मुख्य लक्ष्य है गणित शिक्षण का, यानी कि बच्चों को गणित के प्रति अवेयर करना और गणितीकरण उनके दिमाग में हो जाना, उनकी विचार प्रक्रिया में ही गणित होना ये इनका मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 करें तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 से पहले की जानकारी जिन दोस्तों को अभी तक नहीं पता है मैं बता दूं, यहां पर मैथ्स का शानदार कोर्स अवेलेबल है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल पढ़े, ऐसा मौका हाथ से ना जाने दे। 31 दिसंबर से पहले ये कोर्स 499 मिल रहा है, ऐसा प्राइस आपको फिर नहीं मिलेगा। बहुत शानदार कोर्स है ये, प्राइस उस कोर्स के सामने कुछ भी नहीं दोस्तों, और 1000 की जगह 499 मिल रहा है और शानदार कोर्स है। इसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से लेकर ज्योमेट्री ज्यामिति तक सिखाया है, फिर मैथ्स पेडागोजी भी इसमें ऐड हो गई है। 0 to 0 बैच है, 100 प्लस वीडियोस है, बहुत बढ़िया कोर्स है। आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करेंगे स्टोर ऑप्शन से, यहां स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो पेड क्लास अवेलेबल है 999 की जगह 499 में। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं डेली क्लास की पीडीएफ के लिए, और डेली क्लास होती है 7:30 to 9 तक, डेली 1.5 घंटा। ये तो हम फ्री पढ़ते आ रहे हैं पता नहीं कब से, है ना, जब से आपकी संविदा आई थी तब से ये क्लास चालू है और हमेशा चलती रहेगी। जब तक आप लोगों की एग्जाम नहीं हो जाती, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक ये क्लास चलती रहेगी। और आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे कोर्स के लिए, आप लोगों को सबसे पहला पेज ऐसा दिखेगा दोस्तों, उसमें आप लोग स्टोर ऑप्शन में जाइएगा और सारे कोर्स देखिएगा। लास्ट में एमपीटेट मैथ्स वाला कोर्स अवेलेबल है, उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। यहाँ बाय नाउ पे आप क्लिक करिएगा तो 516 रुपए का पेमेंट बताएगा। बाय नाउ पे क्लिक करते हुए आपसे लोकेशन पूछेगा, आप स्टेट सिलेक्ट करिएगा और मध्य प्रदेश में जाइएगा, मध्य प्रदेश क्लिक करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, एटीएम, पेटीएम, किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और अगर दिक्कत आती है पेमेंट में, कोई समस्या है, तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9893800651 पे मैसेज करिए, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ताकि डेली जो क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ प्लस उनकी लिंक आप लोगों को मिलती रहे। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालेंगे क्या लिखा हुआ है। साथियों ध्यान देंगे कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, शिक्षिका का उद्देश्य क्या है। शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, अब उसका उद्देश्य क्या है। सभी परीक्षाओं का कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ठीक है, या फिर परिभाषा पर आधारित चतुर्भुज की समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी कि विभिन्न परीक्षाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, या विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, क्या इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिन साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों द्वारा, अलग अलग परिभाषाओं द्वारा चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता वो कर रही है। अलग अलग प्रकार से चतुर्भुज के बारे में बता रही है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज, घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में भी बहुत सारे आपके होते हैं, है ना, सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शिक्षिका का उद्देश्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्या लिखा है, कैसे करना है, क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, कि गणितीय संप्रेषण आंकना चाहिए, या बिना समझे रटने की क्षमता होनी चाहिए, या ये चीजें आंकना चाहिए, या शिक्षक को सुनने की क्षमता आंकना चाहिए, या अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न, ना समझने पर प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये आंकना चाहिए। तो क्या आंकना चाहिए, मतलब उसमें क्या पता लगाना चाहिए विद्यार्थी के अंदर, हमको क्या पता लगाना चाहिए, हमको विद्यार्थी में क्या चीज सबसे पहले ढूंढना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के आंसर आ रहे होंगे, है ना, जो कि इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि डी हो जाएगा। अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति बच्चों को पीछे रखती है, इसलिए वो शिक्षक को पहले पता लगाना चाहिए। शिक्षक को पता होना चाहिए कि ये जो बच्चा है ये नी समझ में आने पर भी नी पूछता है। कोई कोई रहते हैं जिनको डर लगता है कि मैं पूछूंगा मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे लोग नीचा समझेंगे, वो चीज उनके मन में रहती है। तो शिक्षक को चाहिए कि ये पता लगा ले कि इस बच्चे को नी समझ में आ रहा है फिर भी ये नी पूछ रहा है, तो शिक्षक उसको दोबारा समझा
समझाएं या उसको उत्साहवर्धन करें ताकि वो चीजें पूछ सके, उसके मन में डर खत्म हो और वो आगे आके सवाल करे। तो ये चीजें आप लोगों को करना है। यानी कि यहाँ पर देखो, गणित शिक्षण का मैंने जब ये पेडागोजी पढ़ी तो मुझे पता चला कि गणित शिक्षण का मतलब ये हो रहा है, ये गणित शिक्षण, ये पेडागोजी क्यों आपकी एग्जाम में डाली गई है, आप लोगों से पेडागोजी क्यों पूछ रहा है एग्जाम वाला, वो ये चाह रहा है कि आप सीखें कि सिखाना कैसे है। मतलब गणित शिक्षण का मतलब ये है कि आप लोग जो अध्यापक लोग हैं, जो आप सरकारी टीचर बनने वाले, जितने दोस्त देख रहे हैं, भगवान से ऐसी मेरी कामना है कि ये जो दोस्त देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो और सभी दोस्त जो है सरकारी टीचर बने और इनके सपने पूरे हों। और जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप लोगों को बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये गणित शिक्षण में दिया गया है। ये पेडागोजी यही आप लोगों को सिखा रही है कि आप जो है कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे आगे चीजें सिखाएंगे, यही गणित शिक्षण का मूल लक्ष्य है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 14 देखना और करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है कि यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या, जैसे कि यह दर्शाए कि कोई दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है, कि उत्तर के रूप में अधिकतम विद्यार्थी एक उदाहरण उद्धत करते हैं जैसे कि 5 + 7 = 12, तो विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया क्योंकि विद्यार्थी को यह समझ नहीं आया कि गणित में कोई का प्रयोग सामान्यकरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, इसलिए वे सही उत्तर नहीं दे सके। विद्यार्थियों ने पियाजे द्वारा प्रस्तावित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्राप्त कर ली है, या विद्यार्थियों को यह दृढ़ विश्वास है कि यह कथन संख्याओं के एक सेट के लिए सत्य है तो हमेशा सत्य होगा, उन्होंने सामान्यकरण करने की दृढ़ रणनीति विकसित कर ली है और विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है, जिसका तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है इसलिए वो गलत उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को अपने आंसर चेक करते हुए चलना है कि कितने क्वेश्चन हो गए हैं और आप लोगों के कितने सही है। अंत में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है, ये क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में अपने स्कोर जरूर करिएगा कि सर हमारे 30 में से 40 में से 50 में से इतने नंबर आए हैं, पेडागोजी में हमारे 45 सही हुए हैं 50 में से, या 48 सही हुए 50 में से, या मान लो हम जितने भी क्वेश्चन करें, मान लो आज हम लोग 40 क्वेश्चन करते हैं तो सर हमारे 30 सही हुए 35 सही हुए, ये चीज आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्या लिखा है, क्या हम लोग करेंगे, लिखा है कि प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। प्रेरणा क्रियाकलाप और समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, सौंदर्यात्मक पक्ष से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। देखो कोई भी गणित में कोई भी चीज सिखा रहे हैं तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि ये चीज मुझे करना है, फिर उसके बारे में वो क्रियाकलाप करते हैं, उससे संबंधित वस्तुएं जुटाते हैं, उसके बारे में चीजें समायोजन करते हैं, फिर उन प्रेरणा और क्रियाकलाप यानी कि वो चीजें मिला करके समायोजन करके उस समस्या पर उसको हल करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ये किस पक्ष से संबंधित है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा कि ये जो है ये किस पक्ष से संबंधित है, ये आपके क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये चीज आप लोगों को करना है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखना और करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में रुचियां संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिएगा कि विद्यार्थियों में रुचियां संवेगों और मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष संबंधित, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जो रुचि होती है ना, रुचि होती है किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, वो मन के भाव होते हैं। संवेग मतलब जो मन के भाव होते हैं, मनोवृत्तियां यानी कि मनोदशाएं होती हैं, तो इनका विकास जो है भावात्मक पक्ष में होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा कि जो रुचियां संवेग और ये चीजें होती है किस पक्ष में होती है, भावात्मक पक्ष में होती है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पेड कोर्स का मैंने आप लोगों को बताई दिया है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें मेरे इस नंबर पर मैसेज कर देना कोई समस्या आ रही हो पेड कोर्स ज्वाइन करने में, या ग्रुप में ऐड होना हो, या इससे पहले थ्योरी की जो क्लास है, ये क्वेश्चन चल रहे हैं, इससे पहला थ्योरी वाला चैप्टर हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा।
क्या लिखा है, क्या इसका आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन में, चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अगर गणित की लेना है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या उसे खरीदते समय या चयन करते समय में किस बात का ध्यान रखना चाहिए। चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों, ऐसा होना चाहिए, या पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, या उदाहरण ज्यादा हो और प्रश्नावली में प्रश्न थोड़े कम हो तो चलेगा, या फिर उदाहरण कम हो और प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो, ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि गणित की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसके चयन में आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, और पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, ऐसा ये होना चाहिए अच्छी पाठ्य पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास लाइव नहीं है, ये क्लास रिकॉर्डेड है। जो लोग सोच रहे हैं सर लाइव है हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, ऐसा ये क्लास रिकॉर्डेड है, मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन सारे करते हुए चलना है और अपना स्कोर अंत में चेक करना है। बहुत अच्छी क्लास है, ये आप लोगों के लिए बनाई है, 125 प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है, गणित जो विषय है उसका पाठ्यक्रम में महत्व है, क्योंकि क्यों महत्व है, कि ये विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, या तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, या व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है, या इनमें से सभी चीजें हैं, इसलिए गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है। वैसे आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आ रहा होगा, है ना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल सही, सरकारी आंसर बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है, इसलिए है क्योंकि ये विज्ञान के विषयों के अध्ययन में सहायक है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये विज्ञान विषय पढ़ाने में गणित का बहुत योगदान है दोस्तों, और तर्कात्मक सोच को भी विकसित करता है। ये चीज बहुत जरूरी है कि गणित एक तार्किक विषय है, ये बच्चों के तर्कात्मक सोच को जो है वो विकसित करता है, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है। भाई साहब चले गए, मान लो हम दुकान पे कुछ सामान लिया और आप लोगों से आपने पैसे दिए, 100 का नोट दिया और सामान बन रहा है 37 रुपए का, कितने रुपए आपको वापिस मिलेंगे, ये चीज आप लोगों को बहुत जरूरी है समझना। वैसे आप लोगों को पता होगा इन रुपयों का तो आप बहुत हिसाब रखते होंगे, है ना, अब 20 रुपए किलो की सब्जी 15 करवा के लेते होंगे, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिएगा क्या लिखा है, कैसे आंसर करेंगे। लिखा है जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है, क्या बात कही है, कि जो विद्यार्थी ज्यामिति ही नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये कथन किसका है, क्या ये बात अरुस्तु जी ने कही है, या हर्बर्ट ने कही है, प्लेटो ने कही, या हैमिल्टन ने कही, आप लोग बताइएगा किसने ये बात कही है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो विद्यालय में नहीं सकता। आप लोगों का आंसर जो आ रहा होगा वो बिल्कुल सही आ रहा होगा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपकी जो डेली प्रैक्टिस क्लास चलती है 7:30 से 9, ये फ्री क्लास डेली यूट्यूब पे चलती है लेयर 3, उसमें हम लोगों ने किया था कि प्लेटो ने ऐसा कह दिया है कि जो ज्यामिति नहीं समझ सकते वो विद्यालय में नहीं आ सकते। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का 19 वाले का हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विषय वस्तु का संगठन जो होना चाहिए वो क्या अध्यापक के अनुसार होना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, या विद्यार्थियों के अनुसार होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, मुझे पता है, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग पूरे 125 प्रश्न यूट्यूब पे चाहते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे और लाइक का टारगेट 300 पार कर रखते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, 300 पार लाइक होने चाहिए इस क्लास को खत्म होने से पहले। ठीक है, देखो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम होगा गणित का वो उसका विषय वस्तु होना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार। अगर अध्यापक के अनुसार हुआ तो अध्यापक तो चाहेगा कि कठिन से कठिन दे दूं, विद्यार्थी के अनुसार होगा तो वो चाहेगा सरल से सरल दे दूं। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगी, ये जो विषय वस्तु है वो पाठ्यक्रम के अनुसार चलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो हम लोग ये जो पेडागोजी का कोर्स है या फिर पूरा मैथ्स का कोर्स है, मैं ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि पेडागोजी का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, सारे चैप्टर पढ़ेंगे और हर चैप्टर में 100+ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोगों को एक थ्योरी का नॉलेज भी हो जाए, संपूर्ण नॉलेज होने के बाद उनके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो प्रश्न आप लोग देख सके। और ये प्रश्न आपकी सीटेट एग्जाम में पूछे हुए हैं और बहुत सारे एग्जामों के पूछे हुए क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। मैथ्स का शानदार कोर्स अवेलेबल है, तारीख 31 दिसंबर याद रखना, ताकि आप लोग जो है इस ऑफर का फायदा उठा सके, 500 रुपये में पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। पूरा कोर्स प्राप्त करने के लिए आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, स्टोर ऑप्शन में 999 की जगह 499 में कोर्स मिल रहा है। मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं क्लास का डेमो देखने के लिए, ये जो PDF हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आप लोग मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहला पेज आपको इस तरीके दिखेगा, पहले पेज पे आप लोगों को एक स्टोर ऑप्शन दिखेगा, इस स्टोर ऑप्शन में आप लोग जाइएगा और यहाँ पर सारे कोर्सेस अवेलेबल है। MPTET मैथ्स वाले कोर्स में आप लोग जाइएगा, इस कोर्स पे सिलेक्ट करिएगा तो 499 में आपको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो 516 रुपये का पेमेंट समथिंग अभी बताएगा। और आप लोग लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट करेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट, फोन पे, गूगल पे, ATM, पेटीएम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा पेमेंट कैसे करना है। लेकिन तारीख याद रखिएगा 31 दिसंबर से पहले, ठीक है, इस साल में ये प्राइस मिल जाएगा। बाकी इसके बाद इसमें पेडागोजी के पैसे भी ऐड होंगे तो आपकी 1000 की क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है कि भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, यानी कि ये जो लीलावती पुस्तक लिखी गई है ये भास्कराचार्य ने लिखी है, भास्कराचार्य ने लिखी है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ठीक है। आप लोगों का एक और क्वेश्चन आगे आएगा जिसे मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर ये लीलावती यहाँ पर इस तरीके से है कि लीलावती जो है भास्कराचार्य के द्वारा ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई है। अब ये जो पुस्तक है इसका यहाँ पर किसने हिंदी अनुवाद किया है ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो 21 वाले क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्तों का आना चाहिए कि क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है कि लीलावती पुस्तक किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो किसका आंसर यहाँ पर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, जेम्स टेलर ने, ठीक है, जेम्स टेलर ने जो है वो लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये बुक आप देख ली, भास्कराचार्य कभी कभी पूछ भी सकता है लीलावती किसने लिखी, तो भास्कराचार्य ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, गणित सभ्यता का दर्पण है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, गणित सभ्यता का दर्पण है, ये जो कथन है ये किस मूल्य से संबंधित है ये आप लोग बताओ, सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है, अनुशासन संबंधी से है, सामाजिक से है या उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप दोस्त भली भांति जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सांस्कृतिक, अनुशासन, सामाजिक सभी मूल्यों से संबंधित है ये गणित सभ्यता का दर्पण है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 करें, क्या लिखा हुआ है, कैसे आप लोग करेंगे, क्या आंसर आपका होगा कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए अभ्यास के क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में या इन सभी में, तो आप लोग बताना है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को किस तरीके से विकसित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। हम लोगों ने सीखा था कि गणित कैसा विषय है, गणित एक तार्किक विषय है, तो आपकी जो विषय वस्तु है वो भी किस क्रम में होनी चाहिए, तार्किक क्रम में होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी दोस्तों का तार्किक क्रम में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो ये क्लास डेली चलती है 7:30 से 9 बजे तक YouTube चैनल लेयर 3 एजुकेशन पर, बिल्कुल आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, क्या लिखा है दोस्तों और आंसर करिएगा कि लीलावती पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, ये जो लीलावती पुस्तक है किसने लिखी, ये हम लोगों ने अभी सीखा है कि भास्कराचार्य ने ये पुस्तक लिखी है। आप लोगों को एक अलग से एक वीडियो बना देंगे दोस्तों जिसमें गणित से संबंधित जितनी पुस्तकें लिखी गई है आज तक, गणित से संबंधित पुस्तकें जिनने जिनने लिखी हैं, तो हम लोग पुस्तकें और उनके
के जो लेखक है वो हम लोग पढ़ लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्लास के नीचे। जब क्लास खत्म हो जाएगी आप कमेंट करिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसा यूट्यूब पे एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम लोग सभी गणित की जितनी भी किताबें हैं जो लिखी गई हैं और जिनसे प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग किताबें एक बार पढ़ ले, उनके लेखक एक बार देख ले, तो वो मैं आप लोगों को बना के वो वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर इस वीडियो पर 300 से अधिक लाइक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बस इतना सा करना है, आप लोगों के लिए काम हम सब कर रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों को निकाल के ला रहे हैं, बस आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और कोर्स का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है दोस्तों, आज जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, बहुत शानदार कोर्स है, आप डेमो देख सकते हैं और पीडीएफ जरूर ले लेना, पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा कैसी क्लास है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या, आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह करते जाइएगा, और कोई दिक्कत है ना तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ नहीं यहाँ दिक्कत है आप इसमें सुधार करो, बिल्कुल आपके सुधार का जरूर उसमें मनन किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के सहसंबंध में दो चरों में जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा, सहसंबंध में क्या होता है दो चर होते हैं उनमें संयुक्त संबंध का पता चलता है, ये किसने कहा है, तो आप लोग बताइए ये कथन किसका है। वैसे तो हम लोगों ने गणित की 25 परिभाषाएं सीखी है, 25 परिभाषाएं में हम लोगों ने सीखा है कि किसने क्या कहा है, ये हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा है, तो जिन लोगों ने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है, इसका चैप्टर नहीं देखा है, वो जरूर मैसेज करना दोस्तों, इस नंबर पर मैसेज कर देना ताकि मैं आप लोगों को थ्योरी वाली क्लास दे दूँ, आप लोग थ्योरी वाली क्लास पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाना और आसानी से ये क्वेश्चन बनेंगे, है ना। 9893800651 पर मैसेज कर देना, क्या आंसर इसका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, हाँ इसका करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है लेथरोप ने ये बात कही है कि सहसंबंध में दो चरों में जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, तो लेथरोप ने ये बात कही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सही आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि गणित की प्रकृति कैसी है, गणित का नेचर कैसा है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से थ्योरी वाली क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी है कि गणित की प्रकृति पढ़ी है, गणित का अर्थ पढ़ा है, गणित की परिभाषा पढ़ी है, गणित का पाठ्यक्रम महत्व पढ़ा है, सारी चीजें हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ी है, तो गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है, अलंकारिक है, कठिन है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, अलंकारिक नहीं होगी, अलंकारिक भाषा गणित की होती ही नहीं है, गणित की भाषा जो है वो तार्किक होती है, अलंकारिक जो है वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, जो भाषाई सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप लोगों की लैंग्वेज होती है उनमें अलंकार होता है, उनमें रस होता है, बाकी गणित में कोई अलंकार और रसहीन विषय है ना गणित जो है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, ये चीजें तो हम लोगों ने आपकी थ्योरी वाली क्लास में पढ़ी थी कि गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा है, लोक ने कहा, प्लेटो ने कहा, ऑगमेंट ने कहा या डॉल्टन ने कहा है, आप लोग बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का आंसर बिल्कुल सही आप लोगों का आ रहा होगा, हॉगबेन, यानी कि बहुत सिंपल चीजें, गणित सभ्यता का दर्पण है किसने कहा, तो ये हॉगबेन ने कहा, अभी आप लोगों का क्वेश्चन भी आया था कि गणित सभ्यता का दर्पण है किस मूल्य पर आधारित है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों, ये चीज आप लोगों को बताना है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, लैटिन भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा से हुई है, जर्मन भाषा से हुई है या इनमें से कोई, और यहाँ पर पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से किस भाषा से हुई है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है लैटिन, है ना, यही है 28, हाँ 28 का ए बिल्कुल सही है कि लैटिन भाषा से इस पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, लैटिन भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेड कोर्स जिनको ज्वाइन करना है 31 दिसंबर से पहले करना, ताकि ₹500 में ही आप लोगों को मैथ्स और पेडागोजी दोनों अवेलेबल हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या आंसर आपका हो जाएगा, लिखा है गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए कठिन, सरल, तार्किक या सजावटी, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में जब भी गणित की प्रकृति की बात हो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गणित एक तार्किक विषय है, तो इसकी प्रकृति भी कैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आ जाता है तार्किक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मित्रों। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये प्ले इसकी आंसर शीट है ना, आंसर शीट इसी में मैंने इंक्लूड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देखिएगा,
निम्न में से हार्डी रामानुजन संख्या है, इनमें से हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? 1592, 1357, 1729, 1234। जो लोग डेली वाली क्लास देखते हैं ना, जो लोग डेली वाली क्लास जो चलती है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, उन लोगों को ये क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, एक स्टोरी मैंने सुनाई थी कि जब रामानुजन अस्पताल में भर्ती थे, है ना, तब उनके गुरुजी उनसे मिलने आए थे, है ना। जब ये गुरुजी हैं इनके हार्डी, रामानुजन के गुरुजी हार्डी, ये मिलने आए थे रामानुजन जी से, तब ये अस्पताल में थे। तो जब हार्डी जी मिलने आए उनसे, तो उन्होंने जब जिस टैक्सी में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत दुखी हूँ। तो रामानुजन जी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं गुरुजी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जिस टैक्सी में मैं आया हूँ ना आज, जिस टैक्सी के अंदर मैं आया हूँ, जिस टैक्सी में होके मैं आया हूँ, उस टैक्सी के नंबर 1729 थे। तो रामानुजन जी इस बात पर खुश हुए, उन्होंने कहा कि ये जो 1729 नंबर है गुरुजी, ये बहुत कमाल का नंबर है। कमाल का नंबर क्यों है? तो हार्डी जी ने पूछा कैसे कमाल का नंबर कैसे है? तो रामानुजन जी जो है मैथ्स में बहुत ज्ञाता थे, उन्होंने बताया कि ये जो नंबर है ये 10 का क्यूब और 9 का क्यूब है। 10 का 9 और 9 का क्यूब जोड़ने पर, यानी 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729 जोड़ने पर ये नंबर बनता है 1729। तो इनमें से रामानुजन संख्या कौन सी है? 1729 है। और भी उन्होंने बताया था कि ये नंबर 10 का क्यूब 9 का क्यूब है ही सही, और साथ में 12 का क्यूब और एक और कुछ बताया था, 12 का क्यूब और ऐसा कुछ जोड़ने पे बताया था, 12 क्यूब या 2 का क्यूब ऐसा कुछ जोड़ने बताया था। मैंने यहाँ लिख भी रखा है आप लोगों के लिए, ये स्टोरी मैंने बता रखी है कि हार्डी केवल उनकी प्रतिभा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा, लगभग प्रतिदिन रामानुजन को ठीक से खाना खाने और नियमित रूप से दवाएं न लेने के लिए डांटते थे उनके गुरुजी, है ना। गुरुजी डांटते हैं, है ना, गुरु की डांट है ना, और बहुत जरूरी है, ठीक है। हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाता है धनात्मक संख्या है, जिनके दो संख्याओं घनों के युग्मों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। इस प्रकार का गुण रखने वाली बहुत ही कम अन्य संख्याएं हैं, इसलिए ये हार्डी रामानुजन संख्या है। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज तो मैं अपेक्षाकृत पहले से बेहतर हूँ। तो हार्डी ने उत्तर दिया कि तुम तो संख्याओं के जादूगर हो, परंतु आज मैं जिस टैक्सी में आया हूँ मुझे उसका नंबर बहुत ही निरस लगा। क्या नंबर था? तो रामानुजन ने कहा कि हार्डी ने कहा कि उसका नंबर 1729 था। तुरंत रामानुजन ने उत्तर दिया कि शायद 1729 से अधिक रोचक संख्या कोई हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा ऐसी कुछ ही संख्या है जो दो घनों के योग के रूप में होती है, जैसे 1729 है, इनमें सबसे छोटी संख्या है। अब उन्होंने कहा कि वास्तव में यह संख्या अत्यंत विशिष्ट संख्या है, क्योंकि विशिष्टता के कुछ पहलुओं को आगे स्पष्ट भी किया है। दो घनों के योग में दो अलग अलग ढंगों से व्यक्त की जाने वाली सबसे छोटी संख्या ये है, 1729 है, जिसमें 1728 और 1 है 12 का क्यूब और 1 का क्यूब जोड़ने पर यह संख्या बनती है, और 10 का क्यूब और 9 का क्यूब जोड़ने पर। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि रामानुजन कितने महान थे। उन्होंने अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो बहुत मैथ्स के जादूगर उनको कहा जाता है, है ना दोस्तों। तो आप लोगों को ये चीजें, ये जब स्टोरी आप सुनेंगे, ये जो स्टोरी है, जब ये स्टोरी आप सुनेंगे, तो ये संख्या भूलना आपके लिए है ना नामुमकिन है। आप 1729 ये जो संख्या है ये आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को ये स्टोरी मैंने बता दी है, और पीडीएफ में भी ये स्टोरी आपके पास रहेगी। तो ऐसे ही अमेजिंग तरीके से, और बहुत बेसिक तरीके से, और साथ में उसको कुछ क्रम जोड़ते हुए अगर हम लोग सीखेंगे, तो भूलना नामुमकिन है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मैथ्स का शानदार कोर्स ज्वाइन करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, ऐसी अमेजिंग चीजें सीखने के लिए आप पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। स्पेशल ऑफर के तहत अभी ये 499 में मिल रहा है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे जरूर करिएगा, और आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इससे पहले की थ्योरी वाली क्लास पढ़ने के लिए। थ्योरी वाली क्लास में बहुत सारी चीजें सीख रखी है हम लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है, ठीक है, करिएगा इसे ध्यान से, क्या आंसर आपका बन रहा है, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? शारंगदेव नहीं है, महावीर नहीं है, बोधायन नहीं है, या ब्रह्मगुप्त नहीं है? तो इसका आंसर 31 का क्या हो जाएगा? 31 का ए वाला आंसर बिल्कुल सही होगा कि शारंगदेव जो थे वो भारतीय गणितज्ञ नहीं थे, बाकी सब भारतीय गणितज्ञ थे। तो शारंगदेव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो शारंगदेव नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्या लिखा हुआ है? गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? अगर आप गणित में बेहतर होना चाहते हैं, उसमें आप लोग बेटर होना चाहते हैं, तो क्या आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की, या आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाए ये तरीका है, या फिर अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और सूत्रबद्ध करने की, इस चीज में निपुण हो जाए, या सूत्र आप लोग याद कर ले तो मजा आ जाए, या हल को याद ही कर ले कि आंसर इसका 22 आता है सर, हर बार ये याद कर लिया हमने, गणित में हम खतरनाक है, ऐसा
कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमूर्त चिंतन तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और सूत्र बनाएंगे। यानी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उनमें कुछ तर्कसंगत विवेचन लगाएं, ऐसी उसमें युक्ति लगाएं, उसका आंसर निकाल लें, उस समस्या का समाधान कर दे, ये आपको गणित में बेहतर बनने के लिए आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ संबंध में कठिनाई होती है उनकी सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली या उनके अर्थ संबंध में कठिनाई होती है उनकी सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई साहब, ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, या समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, या समस्त शब्दावली और परीक्षाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए कि भैया याद करना उल्टा टांग दूंगा, ये करना चाहिए, या अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल, या जिस सा पहेली बनाना, या अंक हल करना, ये करना चाहिए। आप लोग बताओ कि ज्यामितीय शब्दावली अगर उनको अर्थ संबंध में कठिनाई हो रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, परिभाषाएं और विद्यार्थी परिभाषाओं पर परीक्षा ले लेनी चाहिए, या समूह चर्चाएं करवानी चाहिए कि समूह में आप चर्चा करो, या फिर समस्त शब्दावली परिभाषाओं को रट कर याद करके रट लो, है ना, जो नहीं आ रहा है रट लो, ये करना चाहिए, या अधिक से अधिक गतिविधियों को प्रयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग समझदार हैं, आप लोगों ने पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप कोर्स ज्वाइन करें, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ रहा है आप लोगों का, बिल्कुल सही है कि अधिक से अधिक गतिविधियों को प्रयोग करें जैसे वर्ग पहेली, और ये गतिविधियां जब होगी तो बच्चा जब खेल खेल में सीखेगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए सीखने में, है ना, मनोरंजन के साथ जब सीखेगा तो वो सीख जो है वो लंबे समय तक रहती है और उसके दिमाग में बनी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है साथियों वो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, बहुत अच्छी बात है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये कथन किसका है, डेविड हिलर का है, जॉर्ज पोलिया, वैन हासिल या वाइस गोत्सकी, वाई गोत्सकी, किन ने ये कहा है। 34 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बन रहा है, आप लोगों को अगर आता है बहुत अच्छी बात है, आप लोग दे रहे हैं ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहा है डेविड हिलर ने। डेविड हिलर ने कहा है कि गणित अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे हम लोग बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 करें कि विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की है, तो गणित का अर्थ क्या है उनके लिए। संख्यात्मक नवाचार और नवीन तकनीक में योग्यता वृद्धि, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि, या संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि, या संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में अभिवृत्ति में वृद्धि, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। 35 वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। 35 वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो इसका आंसर बता रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है कि संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो यहां पर हम लोग आज जो है हम लोग 35 क्वेश्चन तक रखते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, 35 के आगे क्वेश्चन आएंगे ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कर लिया। जिन लोगों ने पेड कोर्स नहीं पढ़ा है अभी तक, आप बिल्कुल पढ़े, आप इस मैथ्स को मैथ्स में 30 में से 29 नंबर लाएं और अपनी एक सीट संविदा वर्ग 3 में पक्की करें दोस्तों। उसके लिए आप लोगों को बेसिक से बहुत अच्छे से चीजें पढ़ना होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होंगे, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो आप लोग जरूर सीखने में निवेश करें, 500 रुपए में आप लोगों को इससे बेस्ट क्लास नहीं मिलेगी। आप चाहे कोचिंग जाते हो तो वहां 500 रुपए आपके किराया हो जाएगा जाने आने का, इतने में आपको घर बैठे बहुत अच्छे से सिखा देंगे। आप से पहले भी 1000 लोगों ने ये कोर्स लिया है और बेहतर उनका रिस्पांस रहा है दोस्तों। आप 31 दिसंबर से पहले ज्वाइन करें, 500 रुपए का फायदा उठाएं। आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं अभी तो आप लोगों को 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, थ्योरी वाली क्लास, डेमो वाली क्लास और जो रेगुलर क्लास होती है 7:30 से 9 डेली प्रैक्टिस सेशन चलता है, पिछले 2 सालों से क्लास चल रही है, इसके लिए बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, और इसके अलावा जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे यहां पर आप लोगों को सबसे पहला पेज दिखेगा, उसमें आप स्टोर ऑप्शन में चले जाना, स्टोर ऑप्शन में आप लोग जाइएगा तो इंपिटेंट मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, इस पर क्लिक करिएगा,
बाय नाउ पे करिएगा, 516-17 के समथिंग पेमेंट बता रहा होगा, आप लोग करिएगा। लोकेशन आप लोग पूछिएगा, सिलेक्ट स्टेट में आप लोग जाइएगा, मध्य प्रदेश सिलेक्ट करिएगा, प्रोसीड टू पेमेंट, फोन पे गूगल पे एटीएम पेटीएम कर सकते हैं, है ना। और इस नंबर पे मैसेज कर देना अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो मेरे इस नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आपका पेमेंट करवा दूंगा, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और क्रिसमस स्पेशल आप लोग का चल रहा है, क्रिसमस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए।